भक्ति भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें आस्था टीवी के यूट्यूब चैनल को और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। घर पर किसी ब्राह्मण को बुलाओ, साधु को बुलाओ, भोजन कराओ, एक एक कौर एक एक ग्रास उसके मुख में जा रहा है और यह सत्य है, भोजन कराने वाला भीतर ही भीतर तृप्त हो रहा है, उसकी संतुष्टि है। हम जब दान देते हैं तो दान का अर्थ यह नहीं है कि सामने वाले का कुछ बना हुआ, नहीं, उसका बना हुआ ना हुआ वो जाने। कई बार तो ऐसा भी होता है कोई दान का दुरुपयोग भी कर देता है, वो उसकी उसकी इच्छा। लेकिन दान करते समय अथवा दान के बाद तुम्हें जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तुम्हारे भीतर जो सेटिस्फेक्शन आता है वो बड़ा अद्भुत है। दान किसी का भले के लिए नहीं, दान अपने भले के लिए किया जाता है, तृप्ति हमारी होती है, तृप्त तो हम होते हैं। मैं तो कथा में कहा करता हूं, अर्जन अर्जन इतना सुख नहीं देता, आप तो सब श्रीमंत हैं, जितना विसर्जन सुख देता है। धन का आना जितना जरूरी है, धन का जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पानी का प्रवाह जब रुक जाता है ना तो दुर्गंध पैदा होती है, पानी जब चलता रहता है ना तो उसके प्रवाह में पवित्रता बनी रहती है। धन का आना जितना जरूरी है, धन का जाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, नहीं तो धन में 14 दोष बताए हैं। इसलिए जब लगे, जब समय हो, लगे तुम्हें, उसका दान करते रहना चाहिए।